हिंदू धर्म के पुराणों में भी धनुषकोटि का जिक्र है, रामायण में भी इसे बताया गया है। नए वीडियो में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम धनुषकोटि तक की यात्रा करने वाले हैं। रामेश्वरम से धनुषकोटि तक बस जाती है, बस के द्वारा ये सफ़र हम कर रहे हैं। बने रहें पूरे वीडियो में और इस ऐतिहासिक सफ़र में आप हमारे साथ में पूरे वीडियो को देखें, आपको मज़ा आएगा। रामेश्वरम से धनुषकोटि तक तमिलनाडु गवर्नमेंट की ये बस जिसमें हम सफ़र कर रहे हैं, ऐसी ही बसें हर आधा घंटा एक घंटा में चलती हैं जो रामेश्वरम से धनुषकोटि तक जाती हैं, आखिरी पॉइंट जहां पर है, और वहां से फिर वापस आती हैं। तो आप यदि जाना चाहें तो ऐसी बस में आप जा करके और वहां पर देख करके जो भी आपको फ़ोटो शूट करना या जो भी आपको देखना है देख करके वापस इन्हीं बसों में वापस आप आ सकते हैं। एक तरफ का किराया 30 रुपये है और तकरीबन 18-20 किलोमीटर की ये पूरी जर्नी होती है और आधा से पौना घंटा में ये बस हमें पहुंचा देती है, क्योंकि बीच में जो गांव आते हैं या जो सवारियाँ मिलती हैं उन्हें उतारते चढ़ाते हुए ये बस चलती है। धनुषकोटि कभी एक आबाद टूरिस्ट पॉइंट हुआ करता था, लेकिन 1964 में दिसंबर में एक साइक्लोन आया और उस साइक्लोन ने पूरा का पूरा धनुषकोटि को ही बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। उस साइक्लोन की वजह से पूरा का पूरा गांव तबाह हो गया और अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने उसे भूतों का गांव साबित कर दिया है, घोषित कर दिया है, और वहाँ पर रहना जो है वो बिल्कुल मना कर दिया कि यहाँ किसी को रहना नहीं है, रात होने पे वहाँ रहना अलाउ नहीं है। लेकिन कभी ये एक बहुत अच्छा टूरिस्ट पॉइंट हुआ करता था और एक ऐतिहासिक जगह है। बहुत ही शानदार ये यात्रा हमारी हुई, पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। और अभी आप देखें तो ये जैसे सवारियाँ उतर रही हैं, ये पास में ही रेलवे स्टेशन आ गया, तो जो रामेश्वरम रेलवे स्टेशन है उसकी सवारियाँ आ रही हैं और यहाँ से जो सवारियाँ चढ़ती हैं उन्हें लेते हैं और जो उतरती हैं उन्हें उतार के ये बस आगे बढ़ती है। जब श्री राम सीता जी को लाने के लिए लंका गए थे तो ये बीच में समुन्द्र आ गया था और श्री राम जी के कहने पे बांदर सेना ने पुल बना दिया था, पत्थरों को जोड़ के एक पुल बना करके, और पूरी की पूरी श्री राम की जो सेना थी वो श्रीलंका तक गई और रावण को मारकर सीता जी को वापस लेके आए। लेकिन वहाँ के राजा ने श्री राम को कहा कि इस ब्रिज को तोड़ देना, तो श्री राम ने उनका कहना मानते हुए और धनुष के माध्यम से ब्रिज के एक हिस्से को तोड़ दिया था। उसके बाद इसका नाम धनुषकोटि हो गया और अभी हम इसे धनुषकोटि के नाम से जानते हैं। लेकिन जो साइक्लोन आया उससे पहले ये बहुत ही अच्छा एक टूरिस्ट पॉइंट डेवलप हो गया था। साइक्लोन इतना भयंकर था कि रात में आया और तकरीबन 20-20 फुट ऊंचे तक इसकी जो लहरें हैं वो उठी और पूरे के पूरे गांव को ही तबाह कर दिया और गांव के तकरीबन 1800 लोग इस साइक्लोन में समुन्द्र में चले गए, ख़त्म हो गए। और उसके चपेट में एक ट्रेन भी आ गई थी और उसमें भी 100 से ज़्यादा सवारियां थी, वो भी ख़त्म हो गई। उसके बाद लोगों ने यहाँ पर ऐसा महसूस किया कि आसपास कोई है। इन सभी बातों को देखते हुए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसे भूतों का गांव घोषित कर दिया और यहाँ रहने पे पाबंदी लगा दी। दिन में आप जाकर आ सकते हैं, रात में यहाँ रहना बिल्कुल मना है गवर्नमेंट की तरफ से।
ये मेरी रामेश्वरम से धनुषकोटि का जो सफ़र मैंने किया, ये मेरा भारत यात्रा का एक पार्ट है। और अभी मैं कोस्टल भारत की यात्रा कर रहा हूँ, उसी का एक पार्ट है जिसमें मैं कोस्टल भारत को देख रहा हूँ। तो यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो आप तक पहुँच सके। और क्योंकि मैं पूरे कोस्टल भारत की यात्रा पे हूँ, 7,000 किलोमीटर की ये पूरी यात्रा, और इसमें 14-15 स्टेट और तकरीबन 2 महीने का सफ़र लगने वाला है, जिसमें अभी तक मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ रामेश्वरम तक। और आगे ये सफ़र कलकत्ता तक, जो कोस्टल भारत है वेस्ट बंगाल तक लगता हुआ, वहाँ तक ये सफ़र रहेगा। तो आगे की वीडियो भी आप तक पहुँचते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप दबा दीजिए। और इस सफ़र की बात करें तो धनुषकोटि ऐतिहासिक जगह है, जिसकी वजह से यहाँ इस रोड पे जो जिस पे हम अब चल रहे हैं, गवर्नमेंट ने ये बसें चला रखी हैं। आप अपने साधन से भी आ सकते हैं, अच्छी रोड बनाई हुई है, दोनों तरफ समुंदर है। और ये बसें हर आधा एक घंटा में, आधा घंटा एक घंटा, जैसे इनका टाइमिंग सेट है वैसे चलती रहती हैं। एक घंटे में तो हमें मिल ही जाती है, आधा घंटा में भी आती हैं बसें। तो आप इस बस के द्वारा और इस सफ़र को कर सकते हैं। बाकी आप इस वीडियो के माध्यम से तो आप इसको इन्जॉय कर ही रहे हैं। आप देखें यहाँ पर ये चेक पोस्ट जैसे गई है, तो ये रोकते नहीं है लेकिन चेक पोस्ट बनी हुई है। और धनुषकोटि जो कभी आबाद होता था, वो बिल्कुल 1964 के जो जलजला आया, जो साइक्लोन आया, उसके बाद में पूरा तबाह हो गया। तो यहाँ पर रहना भी बिल्कुल गवर्नमेंट ने मना कर दिया। अभी दिन में जाकर के आ सकते हैं, रात में रह नहीं सकते हैं, ऐसा हमें बताया गया था। बाकी ये सफ़र बहुत ही ऐतिहासिक है, बहुत ही शानदार है। और ये रास्ता बहुत अच्छा बना रखा है अभी गवर्नमेंट ने, राम सेतु तक हम जा सकते हैं, क्योंकि रामचंद्र जी ने राम सेतु बना करके और श्रीलंका पे चढ़ाई की थी और सीता जी को वापस लेके आए थे। तो फिर एक तरफ का हिस्सा जो था वो धनुष से तोड़ करके और इसका नाम धनुषकोटि हो गया था। तो वो राम सेतु के अवशेष अभी भी धनुषकोटि से आपको देखने को मिल जाते हैं, जो आखिरी पॉइंट है जहाँ तक ये बस जाती है, वहाँ जाकर के हम देख सकते हैं। और ये देखिए, जैसे अभी आपने देखा एक गाड़ी में कुछ लोग नीचे बैठे, पिकनिक के लिए भी लोग आ जाते हैं, क्योंकि समुन्द्र का किनारा है और ये अच्छी रोड है और हरियाली भी है, तो लोग अपने हिसाब से इंजॉय करने के लिए यहाँ आ जाते हैं। और अच्छा एक इन्वायरमेंट यहाँ पे है, अच्छा एक मौसम यहाँ पे है, रोड बहुत अच्छा बना रखा है और ये बसें चलती रहती हैं, जिससे हमें आने में और वापस जाने में आसानी रहती है। 30 रुपये इसका बस का किराया है और तकरीबन रामेश्वरम से ये 18-20 किलोमीटर का पूरा धनुषकोटि जो आखिरी पॉइंट है वहाँ तक है। आगे फिर राम सेतु हमें दिखता है और वहाँ पर दूरबीन लगा के लोग हमें आगे का श्रीलंका भी, वहाँ से 18-20 किलोमीटर रह जाता है, तो वो भी हम दूरबीन के माध्यम से देख सकते हैं। वहाँ पे लोग हैं जो हमें दूरबीन से दिखा देते हैं, वो 10-20 रुपया लेते हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं वहाँ पर, श्रीलंका को भी। और वहाँ अपना उस आखिरी पॉइंट पे उसके आप विटनेस बन सकते हैं। और जो जो धनुषकोटि जो 1964 में साइक्लोन में जो तबाह हो गया था, आप उसको भी देख सकते हैं, उसके अवशेष वहाँ पर हैं, उसके भी विटनेस बन सकते हैं। वहाँ पे रेलवे स्टेशन था, जैसे मैंने बताया कि रेल जा रहा था, पूरा पूरा रेल भी उसके चपेट में आ गया और उसके अंदर भी जो स्वर्ण थी सोच था वो ख़त्म हो गई। तो पूरा रेल का ट्रैक था, वहाँ पे स्टेशन था, वो सब अभी उसके अवशेष हैं जो हम जा करके देख सकते हैं और उसके विटनेस हम बन सकते हैं। इस तरह से ये एक ऐतिहासिक जो सफ़र हमारा था वो हुआ और हमने इसमें बहुत अच्छा हमें लगा। आखिर में वहाँ जो आखिरी पॉइंट है वहाँ पर एक घंटा बिताने के बाद हमने दूसरी बस लेकर के और वापस हमें आना है। तो अभी आप देखेंगे आपके लेफ्ट साइड में समुंदर दिख रहा है, ऐसे ही राइट साइड में भी समुंदर है और ये बीच में रोड जो बनी हुई है, ये 18-20 किलोमीटर की रोड लास्ट पॉइंट तक जाती है और आगे फिर धनुषकोटि का जो आखिरी पॉइंट है वहाँ से आगे राम सेतु दिखता है हमें और आगे फिर श्रीलंका आ जाता है। तो इस तरह से इस सफ़र को पूरे को एंजॉय करें, मेरे साथ बने रहें और आखिरी पॉइंट तक हम चलेंगे और वहाँ के नज़ारे भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो बने रहें पूरे वीडियो में और देखते रहें आप।
जैसे आप देख पा रहे हैं आपके लेफ्ट साइड में, और ऐसे ही राइट साइड में कंक्रीट की दीवार खड़ी की गई है 4-5 फुट ऊंची, जो कहीं कहीं जो समुद्र की लहरें उठती हैं उनके लिए ये दीवार की गई है, जिससे ये रोड का नुकसान नहीं हो। और क्योंकि यहाँ पर अभी भी उसका भय रहता है, साइक्लोन या समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें आने का रहता है खतरा, इसलिए ये दीवार यहाँ पर खड़ी की गई है कुछ दूर के लिए, जिससे उस समुद्र की लहरों से बचा जा सके। बाकी आप देखेंगे तो रोड के साइड में बालू मिट्टी है, बहुत ही शानदार व्यू यहाँ के हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि एक तरफ समुंदर और उसके साथ साथ बालू मिट्टी और ये रोड, और कुछ भी नहीं है यहाँ। पूरा का पूरा सफर ये सीधी रोड जो हमें धनुषकोटी तक लेके जा रही है, और साथ में चलता हुआ समुंदर और ये बालू मिट्टी जो इस रास्ते को और भी खूबसूरत बना देती है। और ये सफर आखिरी पॉइंट तक जाने वाला है, पूरा वीडियो आप एंजॉय करें।
ये यहाँ आप देखेंगे कुछ मछुआरों की बस्ती यहाँ पर बसी हुई है, और यहाँ राइट साइड में एक बड़ा चर्च भी है। और ये वही पॉइंट है, ये वही जगह है जहाँ पर कभी रेल आती थी यहाँ तक, धनुषकोडी तक जो रेल आती थी वो, ये वही जगह है। यहाँ तक रेल की लाइन थी और यहाँ पूरा गांव आबाद था, लेकिन 1964 के साइक्लोन ने पूरे के पूरे गांव को, जिसमें 1800 लोग तकरीबन ऐसे बताते हैं कि वो ख़त्म हो गए थे, और ट्रेन जो आती थी वो ट्रेन भी उसकी चपेट में आ गई। उसी टाइम पे वो ट्रेन भी यहाँ आ रही थी, और उसमें भी तकरीबन 100 से ज़्यादा पैसेंजर थे, वो भी ख़त्म हो गए। और ये एक बहुत बड़ा हादसा था अपने देश के लिए, जिसमें तकरीबन 1800 लोगों की जान चली गई। और उसके बाद यहाँ पर जो यहाँ के जो लोग थे, जो यहाँ लोग आते थे, उन्होंने ये महसूस किया कि कुछ हमारे आसपास है, ऐसा फील हुआ। और फिर गवर्नमेंट ने इस गांव में रहना ही मना कर दिया। तो यहाँ अभी कुछ मछुआरे, ऐसे जैसे बताया गया हमें कि कुछ मछुआरों की बस्तियाँ यहाँ पर अभी बस गई हैं, तकरीबन 50 के करीब जो मछुआरों की जो लोग हैं, परिवार हैं, वो यहाँ पर रहते हैं, और समुद्र में मच्छी पकड़ने का इनका काम रहता है। और ये उनकी झोपड़ियाँ आप देख पा रहे हैं, और यहाँ कुछ रेस्टोरेंट भी आपको देखने को मिल जाते हैं चाय पानी के लिए, खाने के लिए। तो जो यहाँ लोग आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं दिन में, उनके लिए और यहाँ पर ये व्यवस्था है कि यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने अपने यहाँ पर दुकानें डाल रखी हैं, तो आप वहाँ से कुछ ले सकते हैं। तो ये वो गांव था धनुषकोडी, जहाँ तक ट्रेन आती थी और वो साइक्लोन में तबाह हो गया था। अब आगे का जो सफ़र है उसमें आखिरी पॉइंट जो है वो यहाँ से तकरीबन 7-8 किलोमीटर है, वहाँ तक ये बस हमारी जाएगी। और वहाँ पर आगे फिर आपको राम सेतु ब्रिज दिखाई देगा, वो दिखाई देता है वहाँ से, और आगे समुंदर है चारों तरफ, वहाँ तक बस जाकर के वापस आती है। तो वहाँ तक आप पूरे वीडियो को देखें, आपको पूरी जानकारी मिलेगी, और पूरा ये ट्रिप मेरे साथ में आप एंजॉय करें।
और ये वो आखिरी पॉइंट है जहां हमें आना था। इसके आगे अभी रोड नहीं है, तो यहाँ से गाड़ी वापस घूम जाती है और यहाँ आप देखें आपको टेम्पू वगैरह भी मिल जाते हैं। और यहाँ पर यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने खाने पीने की कुछ स्टॉल्स लगा रखी हैं जिसमें आपको फ्रूट वगैरह मिल जाते हैं, पपीता है, ककड़ी है, आम है, और ये आपको वो लोग आपको दे सकते हैं, ले आप यहाँ से लेकर के और अपना यहाँ पर आधा 1 घंटा 2 घंटा जैसे जैसे भी आपको रुकना हो आप रुक सकते हैं। और उसके बाद में आप अपना सफर वापस आप जैसे ही आए हैं बस में या आप अपने साधन से या टेम्पो में जैसे भी आप आए वैसे ही आप यहाँ से वापस जा सकते हैं। तो यहाँ ये हमारी बस खाली हो रही है, पूरी बस हमारी खाली हो जाएगी यहाँ पर, और फिर दूसरी जो सवारियाँ हैं वो जिनको जाना है वो वापस यहाँ पर बैठ जाएंगी और ये बस वापस चली जाएगी। तो ऐसे ही है, हर आधा घंटा 1 घंटा में बसें आती रहती हैं और सवारियाँ आती हैं और जो पहले आए हुए हैं वो लोग चले जाते हैं वापस। जैसे अभी देखें ये हम उतर गए हैं और ये दूसरी सवारियाँ तैयार हैं जो यहाँ पर बैठ जाएंगी। और यहाँ नीचे का व्यू हम देखें तो आप देखें यहाँ पर सब टूरिस्ट हैं और कुछ भी नहीं है, कोई स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन यहाँ पर बना हुआ नहीं है, दुकानें कुछ यहाँ बनी हुई नहीं है। यहाँ सिर्फ जो वेंडर हैं वो आपको अपनी टेबल लगा करके और अपना जो भी बेच रहे हैं वो लगा करके खड़े हैं और शाम को ये अपना घर चले जाएंगे। और एक यहाँ पर आप देखें तो ये एक सरकारी निशान, एक स्तंभ जो बना हुआ है उस पे ये एक हमारा सरकारी निशान यहाँ पर बना हुआ है। और चारों तरफ आप देखें तो समुंदर है और कुछ भी नहीं है, टूरिस्ट हैं और ये बसें जो आती हैं या जो कार वगैरह आती हैं या जो भी लोग आते हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। बस अभी आई और अभी वापस यहाँ से घूम करके वापस जा रही है। तो इस तरह से ये पूरा सफ़र हमारा बहुत ही अच्छा रहा, हमने यहाँ पर बहुत सारा एक अलग तरह का अनुभव हमें मिला और यहाँ लोग जो है अपनी तरह से एंजॉय करते हैं। इस पॉइंट पर आकर के यहाँ से आप दूरबीन से, जैसे मैंने आपको बताया था दूरबीन लगे हुए हैं आगे हम जाके देखते हैं, तो उस दूरबीन से आप श्रीलंका को देख सकते हैं। श्रीलंका यहाँ से तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर होगा, तो वो दूरबीन से हमें दिख जाता है। और आगे राम सेतु जो ब्रिज था जो श्री राम ने बनाया था वो राम सेतु ब्रिज आपको दिख जाता है। बाकी यहाँ समुंदर है चारों तरफ और जो टूरिस्ट आए हुए हैं वो हमें दिखते हैं यहाँ पर, और जो यहाँ के वेंडर हैं जो सामान बेच रहे हैं वो लोग हैं, या फिर जो गाड़ियाँ आई हैं वो गाड़ियाँ हमें दिखती हैं, और कुछ भी नहीं है। यहाँ चारों तरफ समुंदर है और ये आप देखें यहाँ पर ये दूरबीन से ये दिखाते हैं, ये 20 रुपया चार्ज करते हैं और ये श्रीलंका यहाँ से हमें दिखा देते हैं, और राम सेतु ब्रिज जो समुंदर के अंदर है उसके भी अवशेष हमें दिख जाते हैं। तो ये कुछ दूरबीन वाले यहाँ पर लोग यहाँ के लोकल लोग हैं जो बैठे हुए हैं जो ये काम करते हैं यहाँ पर। बाकी टूरिस्ट यहाँ पर सब अपना पिक्चर वगैरह लेते हैं, अपनी सेल्फी वगैरह लेते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। तो ये इस तरह से हमने ये पूरा सफ़र किया, बहुत ही अच्छा हमें लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपने पूरा वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें जिससे आगे आने वाले वीडियो आप तक टाइम पर पहुंच सके। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।